उत्तर प्रदेश यूपी बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। एक मिलिट्री के जवान को दिन दहाड़े पैरों में गोली मारा गया, जिनकी हालात अभी नाजुक बताया जा रहा है। उनके उपचार के इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया। आइए जानते हैं बलिया के पुलिस प्रशासन की टीम से इस घटना के बारे में। हॉस्पिटल में मौजूद क्या घटना है, कैसा क्या मामला है, गोली चलने के बताएंगे। सुखपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज शाम को 6 बजे अलावल पर कट्टी जगह पड़ती है, वहाँ पर गोली के चलने की सूचना आई थी, जिसके क्रम में मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहाँ पर ये व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, इसको तत्काल पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई और इसको उपचार के लिए उपचार बनारस भेजा गया बेहतर उपचार के लिए। और अभी मामले की जांच की जा रही है कि प्रथम दृष्टया ये मामला आया कि ये अभी हाल फिलहाल में जेल से निकल कर आया है और जो वादी मुकदमा है वो इसके उसका आरोप है। सर ये किस मुकदमे में जेल थे सर? अभी इस मामले में जांच की जा रही है। कितनी गोली चली है, कहां कहां गोली लगी है? एक उसकी बुलेट चली है, वो बता रहे हैं। सर कहां कार्यरत थे ये? पूर्वोत्तर भारत के सिलीगुड़ी जगह पर तैनात थे, आर्मी में थे, वहीं की आज छुट्टी अभी आए थे और वापसी हो रही थी। उसी के क्रम में शाम को 6 बजे इनकी ट्रेन थी, उसी को इसके लिए पकड़ने जा रहे थे, जिसके बीच में घटना करी थी। जमानत पे बात हुई है? अभी ये हाजिर हुए थे बीच में और अभी ये बाहर आ गए थे, तो इस मामले में भी इनकी गवाही भी थी 3 तारीख को। हमलावर सर, हमलावर किस चीज से थे और कितने लोग थे सर? मोटरसाइकिल पर थे, 2 लोग थे। थैंक यू सर।